काबिल मारी जाना और मेरे यूटीएस एमबीकर में 183 मार्क्स है और एफएससी में मेरे 1055 मार्क्स है और मेट्रिक में मेरे 1073 मार्क्स है और मेरा टोटल आई ग्रेड 93.86 था और मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस सिंह एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ये तो मतलब कि हर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि हर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट जो हर मेडिकल का स्टूडेंट है उसका ड्रीम होता है और ऑब्वियसली एक प्राउड फील होता है कि आप एक पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा इदारा है मेडिकल का टॉप मेरिट अदारा है उसमें आप जो है ना MBBS कर रहे हैं और इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर योर पेरेंट्स। मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किए सबसे पहले तो मैं अपनी टेक्स्ट बुक जो मैं क्योंकि मैं पंजाब बोर्ड से था तो मैं यूएस का एक स्टूडेंट था तो मैंने जो अपना मेजर रिसोर्स पंजाब बुक टेक्स्ट बुक यूज़ की और देन मैंने जो है ना वो प्री मेड के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए प्री मेड का जो है वो सेशन ज्वाइन किया था ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूँ और एक दो और बुक्स थी जैसे की बुक्स वगैरह होती हैं वो मैंने यूज़ की थी। मेजर जो मेरा वो ये था कि प्रैक्टिस के लिए प्री मेड मैंने यूज़ किया था और जो रीडिंग बुक रीडिंग के लिए मैंने अपने फेडरल बोर्ड की थोड़ी बुक्स कंसल्ट की थी और साथ में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को मैंने मेन रखा हुआ था। स्टडी टेक्निक्स जो मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगी थी वो यही थी कि सबसे पहले तो ये कि मैं जो बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ता था मतलब कोई किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेता था मतलब कि मैंने ये रखा हुआ था कि अगर मेरे अलग ना फिर थोड़े बहुत एमसीक्यू गलत हो भी जाते हैं तो देन मेरे पास फिर भी एक बड़ा मार्जिन है कि मैं अच्छा स्कोर कर सकें जिससे मेडिकल कॉलेज में चला जाऊँ। मैं ये करता था कि मैं शॉर्ट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा करता था जो मुझे हेल्प आउट किया था लास्ट डेज में। अक्सर बच्चे ये शिकायत करते हैं कि हमारे लिए हमसे जो है ना वो लास्ट में रिवीजन पूरी नहीं हो पाती तो मैं ये करता ये था कि जब भी मैं बुक रीडिंग करता था तो मैं शॉर्ट लिस्टिंग करता था। हाई रीडिंग तो सभी करते हैं लेकिन मैंने एक बकायदा एक पेज के ऊपर भी लिख लेता था लहरा से और वो करते करते जब मैं लास्ट पेपर देने गया था तो मेरे पास सिर्फ एक या दो पेज था जिन्हें मैं रिवाइज कर रहा था। तो यही मेरी सबसे बड़ी टेक्निक थी कि मैं जो है ना वो जो है मतलब शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज़्यादा करता था जिसकी वजह से मेरा टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता था। सबसे पहले तो जो मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स से सबसे बड़ी सपोर्ट तो वही थी और मेरी मामा थी वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। मेरे फादर जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया अपनी लाइफ में सिर्फ एमकैट में नहीं ओवरऑल जर्नी में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और फिर उसके बाद जो प्री मेड की टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जहाँ पर मुझे थोड़ी फील होती थी मतलब कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस प्री मेड के एमसीक्यू करने के बाद आ गया था कि चाहे वो कोई भी अब एमकैट का पेपर जैसा भी हो तो मुझे जो है ना वो भी किसी किस्म की टेंशन नहीं थी और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। यही होता है कि मोटिवेशन चाहिए होती है इंसान को कि इंसान हिम्मत ना हारे और वो मेरे पेरेंट्स और प्रीमेड से मुझे मिलती रही। सबसे ज़्यादा फीचर मुझे अच्छा लगा था वो ये था कि पास पेपर थे और दूसरा ये कि जो टाइम मैनेजमेंट सिस्टम था मेरा टाइम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता था जो कि ऊपर टाइम ही चल रही होती थी। आई थिंक एमकैट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आता सभी को होता है लेकिन एक मखसूस टाइम के अंदर उसे पूरा करना किसी किसी के बस की बात होती है जिसकी वजह से जो बहुत से बच्चे हैं वो इसी वजह से मार्क आते हैं कि उनसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो जो टाइम मैनेजमेंट सिस्टम था इसके अलावा एक फ्लैश कार्ड का जो सिस्टम था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जो एमसीक्यू मुझे मुश्किल लगता था मैं उसे अपने फ्लैश कार्ड में ऐड कर लेता था और बाद में जब भी मुझे वो लाइब्रेरी रिवाइज करने की जरूरत पड़ती थी तो मैं उसे कर लेता था। और पास पेपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने एंड वाले 4-5 दिनों में सिर्फ और सिर्फ पास पेपर सॉल्व किए थे और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं वो पास पेपर सॉल्व ना करता तो मेरे 5 से 6 मार्क्स कम आते और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट ना होता। सही बताऊँ तो एज सच जो है ना वो मैंने कोई हॉबी मैं मतलब कि 3 महीने का टेन्योर होता है एमकैट का बैच में तो इस दौरान मैंने कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज्वाइन की। हाँ मैं वैसे संडे मेरे टेबल टेनिस जो है वो मुझे खेलना आता था और मैं उसका मुझे उसका शौक भी है तो मैं संडे वो जो है ना वो टेबल टेनिस क्लब के अंदर टेबल टेनिस खेल लेता था। वैसे तो ऐसे डेली रूटीन में यही था कि मैं ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज को देता था। मैंने ये सोचा हुआ था कि भाई 3 मंथ है अगर आप ये 3 मंथ स्कूल से पढ़ लोगे तो देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसी वजह से मैंने 3 महीने जो है ना अपने बोर्ड टका के पढ़ा था तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था लेकिन हाँ मैं संडे टेबल टेनिस खेल लेता था। जो है वो यही थी कि लाइक जो मेरा बचपन से ये पैशन था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है तो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन सबसे पहले तो मुझे पेरेंट्स देते थे कि भाई आपका एक पैशन है जो आपने बचपन से मेरे जो जहन में एक ही बात थी कि मैंने डॉक्टर बनना है। और दूसरी मोटिवेशन की सबसे बड़ी वजह थी जब भी मैं किसी डॉक्टर को देखता था तो अगर मेरा लेट्स सपोज माइंड डाइवर्ट हो भी जाता था कि नहीं यार मेडिकल की फील्ड कोई इतनी अच्छी फील्ड नहीं है लाइक ये आपको पे अप नहीं करेगी तो उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट मुझे करती थी वो ये कि जब हम सिर्फ डॉक्टर को देखते थे उसका पैशन देखते थे कि वो किस तरह जो है ना वो इंसान की खिदमत कर रहा है तो देन ये मेरा सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन था कि एक डॉक्टर को देखना मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन।
जो जितने भी मेरे जूनियर्स हैं और जितने भी मेरे एमबीकेट के एस्पायरेंट्स हैं, मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि वो प्री मेड ड्यू करें। और उसका सबसे ज्यादा जो हिस्सा मुझे जो अच्छा लगता था, वो मैंने बताया पास पेपर से, वो पास पेपर को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। मेरे ख्याल से एमकेट पे कामयाबी हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी रीडिंग करें और देन पास पेपर के एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, जो कि प्री मेड जो है वो एक लार्ज क्वांटिटी में आपको पास पेपर जो है ना वो प्रोवाइड करता है। तो जो मेरे सीनियर जूनियर्स हैं और मेरे जितने भी एमबीकेट एस्पायरेंट्स हैं, उन्हें मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो प्री मेड ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकें। के लिए सबसे बेहतर एडवाइस यही है कि इसे इतनी हाइप ना बनाएं। ये सिर्फ हाइप है कि हम क्या करते हैं, नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपका अपने अल्लाह के साथ अच्छा कनेक्शन है, आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको एमकेट क्लियर करने से रोक सकती है। तो किसी भी स्ट्रेस में पढ़ने के बजाय जो है ना वो अपने स्टडी पे फोकस करें। आप ये माइंड में रखें कि लेट पर अब मेरे 183 मार्क्स और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, अब मेरे भी तो 17 एमसीक्यू रॉन्ग हुए ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे ये स्ट्रेस ले जाते हैं कि भाई हमारे 3 एमसीक्यू गलत हो गए, 4 गलत हो गए, तो फिर भी आपका एक बड़ा मार्जिन होता है कि आप गलत करके भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो स्ट्रेस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 5 एमसीक्यू गलत हो भी जाते हैं, फिर भी आपके पास एक बड़ा मार्जिन है कि बच्चे मेडिकल इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। तो यही है कि स्ट्रेस वगैरह ना लें, अपनी नींद जो है वो अच्छे तरीके से पूरी करें और अपनी स्टडी से बिल्कुल फोकस करें, ये सोच के कि ये सिर्फ 3 महीने हैं जो हमने टकाटा लगाने हैं, देन हमारे लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है आगे जाकर।